Hello students, welcome back to the TMIS home based education. Today we are going to teach exercise number 4, question number 3rd and 4th. ठीक है friends, question number 3 and 4 है. Already वो हमने पढ़ लिया है. कैसे पढ़ लिया? Theory में सब कुछ पढ़ लिया. अब आप खुद से भी इसका answer कर सकते हो friends. लेकिन अगर आपको कोई query है तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हमको पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है वो हमने अगले क्लास में कर लिया. 42 के सारे जो फैक्टर्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया. अपनी बुक में देखो, पेज नंबर होगा पेज नंबर 29, यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना कोई बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे सर पेज नंबर कितना है. वो ऐसा नहीं कि हम चलो देख लेते एक्सरसाइज नंबर 4 में कहाँ पे है, चैप्टर 3 में एक्सरसाइज नंबर 4 कहाँ पे है, वो फाइंड आउट नहीं करेगा. वो क्या करेगा, मुझे क्वेश्चन करेगा सर ये पेज नंबर कितना है. ठीक है, सब आप बोल दो, मुझे कुछ नहीं करना है. ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं. तो बेटा ऐसा नहीं करते, थोड़ा एफर्ट करो आप, थोड़ा मैं करता हूँ, दोनों मिल के सारी बातें समझेंगे. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. इधर पे पेज नंबर लिख दिया 29. अब आप देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा है कि भाई 42 का जो फैक्टर्स है उसको हमें राउंड अप करना है. ठीक है, वो तो 42 का फैक्टर्स आपने अगली क्लास में देखोगे तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिए पहले से ही. तो उसमें जो फैक्टर्स थे वहाँ पे आप राउंड अप कर दो. ठीक है, वो मैं नहीं करवा रहा, अभी एक बार मैंने करवा दिया. तो अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है कि इज द फर्स्ट नंबर ए फैक्टर्स ऑफ सेकेंड. मतलब कि ये जो अपना फर्स्ट नंबर दिया है क्या वो सेकेंड नंबर का फैक्टर है या नहीं है. मतलब कि ये 6 है क्या वो ये जो 6 है वो 54 का फैक्टर्स है या नहीं है. तो मतलब वो हमें कैसे पता चलेगा. तो फ्रेंड्स आपको मालूम है हमको क्या करना है, 54 के टेबल में 6 आता, मतलब 6 के टेबल में 54 आता या नहीं आता है. मतलब कि 54 किसके टेबल में आता है वो हमें सोचना होता है फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे ये पूछा है क्या 6 है वो 54 का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है, तो मतलब हम सिर्फ यही सोचेंगे कि 54 है वो 6 के टेबल में आता है या नहीं आता है. ठीक है, इज द फर्स्ट नंबर इज फैक्टर ऑफ सेकंड. मतलब ये पूछा है कि ये 6 है क्या वो 54 का फैक्टर है. और फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या सोचते थे हर रोज, कि भाई हम सोचते थे यहाँ पे नंबर लिख दिया जिसके फैक्टर फाइंड आउट करने, और हम सोचने लगते थे कि ये किस किस के टेबल में आता है. मतलब और क्या 6 के टेबल में आता है, यहाँ पे 6 का पूछा है तो हम यही देखेंगे क्या 6 के टेबल में आता है. मतलब कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है. 6 से डिविजिबल होगा तो 6 के टेबल में आता होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 के टेबल में नहीं आता होगा. और 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें मालूम होना जरूरी है फ्रेंड्स. अब देखो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. मतलब कि वो 6 के टेबल में आता होगा, होना अगर होगा तो ये 54 है और 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 4 है, मतलब 54 इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, अब देखो 54 है और 2 से तो डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल कब होगा वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं. 2 से डिविजिबल है और अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है. मतलब कि सम ऑफ द डिजिट है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. 5 + 4 = 9, मतलब 9 इज डिविजिबल बाय 3. देन 54 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है. मतलब ये 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा ही. देन द 6 इज फैक्टर ऑफ 54, ऐसा हमें लिख देना है. ठीक है, अब कहाँ पे आता है वो भी कोई बच्चा पूछेगा सर 54 कहाँ पे आता है 6 के टेबल में, वो तो हमको नहीं मालूम. तो फिर नहीं मालूम तो ऐसे करने का 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 = 48, 6 9 = 54. ठीक है, तो ये आ गया 6 9 = 54, 6 × 9 मतलब क्या होता है 6 × 9 = 54. मतलब कि ये 6 और 9 है वो 54 के फैक्टर्स है. तो ये 6 है 54 का टेबल, सॉरी फैक्टर है. ठीक है, ये हमने डिविजिबिलिटी के बेसिस पे चेक किया, आप टेबल के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो.
अब 42 क्या है, वो 8 का, सॉरी 8 क्या 42 का फैक्टर है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 42 मतलब कि किस किस के टेबल में 42 आता है, वैसे हम सोचेंगे नहीं सोचेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे लेकिन हमारा जो काम होगा वो नहीं होगा। मतलब कि ये 8 वाला है वो हमारा काम नहीं होगा, सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि भाई 8 के टेबल में 42 आता है, मतलब 8 5 14 और 8 6 48 मतलब कि कहाँ पे भी 42 नहीं है, मतलब 8 × 5 = 14 8 6 48 मतलब कि यहाँ पे बीच में 42 आता है लेकिन टेबल में नहीं आया। ठीक है, तो मतलब 42 इज नॉट, सॉरी 8 इज नॉट फैक्टर ऑफ 42, 8 इज नॉट फैक्टर ऑफ 42। ऐसे ही आप लोगों को ये करना है, ये 12 है वो 25 का फैक्टर है या नहीं है, मतलब कि 25 किसके टेबल में आता है। ठीक है, 12 के टेबल में आता है, 25 कम्स इन टेबल 12, ये आपको खुद से पूछना है। ठीक है, अगर जो आता होगा 12 के टेबल में 25 तो फैक्टर होगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा, वो आप खुद सोचना। ठीक है, तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर सी है वो भी आपको ही करना है। ठीक है, सी कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, सी है 9 and 27 मतलब कि 27 है क्या वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता, 9 का टेबल तो आपको आता ही होगा, तो इसका आंसर आप वैसे कर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमको ये जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, और वो भी आपने जो पढ़ा है उसमें से ही है, कुछ भी बाहर से नहीं है, पहले से ही हमने सब पढ़ लिया है थियोरी में प्रैक्टिस में। ठीक है, 15 and 2 आर खाली डेज ऑफ 13 मतलब कि 15 and 2 है वो 13 के क्या है, मतलब हमको मालूम है फैक्टर्स है क्या है फ्रेंड्स, फैक्टर्स है। देखो आप 13 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 के टेबल में आता है 2 × 15 = 13 तो मतलब ये 15 and 2 है वो क्या है, 30 के फैक्टर्स है, बहुत इजी है। 5 and 10 आर फैक्टर्स ऑफ 5, 5 के फैक्टर्स कौन कौन से है, मतलब 5 अब ये 5 तो दे दिए, 5 दे दिए कि भाई 5 है वो 5 का फैक्टर है, और डेस में हमें लिखना है और कौन होगा, तो मतलब हमको मालूम है 1 × 5 = 5 देन 1 and 5 इज फैक्टर्स ऑफ 5, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 and 1 आर फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर्स ऑफ 16 इज, तो ये हम फाइंड आउट करने नहीं बैठेंगे फ्रेंड्स, 16 के सारे फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे और बाद में देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो वैसा थोड़ी हम करेंगे, हमको मालूम है तो 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 है अपना वो नोट्स मैंने प्रीवियस क्लास में लिखवाई है। ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लास का वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा है तो 1 लिख देंगे, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा फिर, ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होगा कोई भी नंबर का, वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, जो नंबर है वो खुद अपना सबसे बड़ा फैक्टर है, वो भी नोट्स मैंने लिखवाई थी, द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट फैक्टर वाला पूछा है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 54 इज डेस, मतलब 54 है उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो मतलब वो 54 खुद ही है, सभी नंबर में ऐसा ही होता है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि 25 का बिगेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे, 25 बिकॉज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, वो आपको मालूम है। डेस इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ऐसा कौन है जो सबका फैक्टर है, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, देखो आप जहाँ भी देखो 1 है वो सब नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 के टेबल में सभी आते हैं। ठीक है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ये हो गया फ्रेंड एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 4 है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स यही एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन है वो आपको अपनी फेयर बुक में लिखने है। कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि सर पीडीएफ भेजो ये नहीं दिख रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप अपनी बुक में से देख लो, पेज नंबर 29 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अपनी बुक में से फोटो क्लिक करके आपको भेजूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है फ्रेंड्स।
ठीक है, तो अब हम फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी फेसबुक में लिखने हैं, वरना जो आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4 में आपका रिमेनिंग है जो आपने नहीं लिखा है वो आपको अपनी फेसबुक में लिख लेना है, और एक्सरसाइज नंबर 4 है वो पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चाहिए।